Guys, it's me Ritali. Welcome back to our channel. After spending one night in Kabini, we are now at Ooty. From Kabini, Ooty is like 150 km, and ye hame laga kuch 4 hours plus laga. Hum Bandipur and Mudumalai forest ye sab cross karke aaye, aur abhi hum hai Ooty mein, and in Ooty we have checked into a very beautiful resort. Ye basically Mysore King ka पैलेस है, समर पैलेस, एंड नाउ इट टर्न टू अ हेरिटेज रिजॉर्ट. सो द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज वेलकम हेरिटेज रिजॉर्ट. लेट मी टेक यू गाइज इन साइड दिस प्रॉपर्टी एंड सो यू दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी फ्रॉम इन साइड. सो लेट्स गो. हियर इज दिलीप. Proper palace vibe. This is actually a palace, and it is looking, every corner of this palace is looking so beautiful. So this is our suite, Kotada suite. We'll go inside. It's a cute cozy corner. This is the washroom. This palace is 108 years old. Of course, they have renovated this, but the actual structure is 108 years old, and this property is still owned by Mysore Maharaja. So beautiful. चेक इन करके अभी हम बाहर आए हैं, एंड वी आर गोइंग टू ऊटी लेक. और एक चीज़ हमने नोटिस किया कि ऊटी सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है टी गार्डन के वजह से, बट अभी बहुत ही कम टी गार्डन देखने को मिला, ऑलमोस्ट ना के बराबर हम जितना देख रहे हैं. बहुत सारा टी गार्डन को ऐसे पूरा काट दिया गया है, तो जब हम पूछे तो पता चला कि दिस इज़ लाइक ऑफ सीज़न, आई मीन फॉर टी दिस इज़ ऑफ सीज़न. तो मार्च में इनको धूप मिलता है, इसीलिए ये मार्च में सारे टी गार्डन को काट देते हैं, और फिर से ये मई जून तक जब बारिश आता है तो फिर से टी गार्डन शुरू हो जाता है. तो अगर आपको टी गार्डन देखना है ऊटी में, देन डू नॉट विजिट इन मार्च अप्रैल. ये हमारा, वैसे हम 2-3 बार आ चुके हैं, तो इस बार का हमारा प्लान था कि हम वही सारा क्राउडेड जगह नहीं जाएंगे, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, ऊटी लेक, पाइकरा फॉल, दीज आर द एंड ऑल द व्यू पॉइंट, डोडा बेटा पीक. ये सब बहुत ही क्राउडेड प्लेस होता है, हर कोई जाते हैं, तो ये हम बहुत बार जा चुके हैं. तो हमारा इस बार प्लान था कि हम थोड़ा ऑफबीट जगह जाएंगे, तो लेट्स सी हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं ऊटी. इस बार थोड़ा डिफरेंटली एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड.
were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood. Good morning, guys. अगर आप ये पैलेस में रहते हो तो इट्स लाइक अ कम्प्लीटली साइलेंस. इट्स सो पीसफुल. रात को एक आवाज़ भी नहीं हो रहा था. आई एम टोटली लविंग दिस रॉयल पैलेस स्टे. एंड ये जो हमारा सिट आउट प्लेस देख रहे हो, इसके सामने ये पूरा इतना जो एरिया है ये सब हमारा प्राइवेट है. तो इस रूम का जो मेन डोर है वो रहा वहाँ पे. एक तो ये घर रूम का रूप जो देख रहे हो ना, इतना ऊपर है, बट यहाँ पे इतना लाइक सुबह से ही नेचुरल सनलाइट आना शुरू हो गया है. यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, एंड इन दिस साइड ऑल्सो टू. एंड आई थिंक दिन में यहाँ पे एक भी इस रूम में एक भी लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है. और ये रूम हीटर दिया गया है, इसको हम रात को लगाए थे. रात को जो है टेम्परेचर कुछ 13-12 डिग्री तक हो गया था. रात को बहुत ठंडी लग रही थी. तो हम आए हैं अपने जो पैलेस होटल के बैकयार्ड में. तो ये रहा बैकयार्ड, और यहाँ पे ऐसे एक जगह है जहाँ से व्यू इज लाइक समथिंग लाइक दिस. ब्रेकफास्ट करके हम अभी निकल रहे हैं ऊटी एक्सप्लोर करने. तो जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी कल के हम इस बार ऊटी थोड़ा ऑफबीट प्लेस और थोड़ा लेस क्राउडेड प्लेस एक्सप्लोर करेंगे. तो फर्स्ट हम जा रहे हैं एमरल्ड लेक, देन वी आर गोइंग टू एवलेंस लेक जो कि यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है. सो लेट्स स्टार्ट द डे. पे आए हैं जहाँ पे इस साइड है एवलेंस लेक, एंड इन दिस साइड दैट साइड इज एमरल्ड लेक. व्यू बहुत अच्छा है, एंड ये बहुत ही हॉबिट प्लेस है ऊटी में. बहुत कम लोग यहाँ आए हैं, तो ये व्यू का थोड़ा मज़ा लेते हैं अभी. एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर, तो हमने टिकट लेना पड़ा कार के लिए 50 रुपीज़, एंड एंट्री फी पर है 20 रुपीज़, तो 90 रुपीज़. और अभी जो है हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं. यहाँ से गेट से 3 किलोमीटर इनसाइड, तो देखते हैं. बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. सो हम पहुँचे हैं एवलेंस लेक. तो ये फॉरेस्ट के अंदर आए, फिर हम पार्किंग की गाड़ी, और अभी हम पाइन फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं लेक के पास. लेक में अभी पानी बहुत कम है बिकॉज ऑफ समर. पे जीप सफारी भी है जो कि आपको फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं. एंड हियर वन क्यूट कैफे इज देयर, वी आर गोइंग टू चेकिंग आउट दैट. और थोड़ा चाय कॉफ़ी भी पीते हैं. तो अगर आप ये जगह आते हो, यू कैन इजीली स्पेंड हाफ ऑफ योर डे, देन यू कैन गो बैक. एंड दैट साइड इज पार्किंग.
ट्रैवलिंग से वापस आके हम आए हैं कैफे में विच इज़ इन ऊटी मार्केट। तो यहाँ पे हम आए हैं ले कैफे विच इज़ अ वेरी फेमस कैफे। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं ग्रिल चिकन ब्रुचेटा एंड सम स्मूदीज। ये आउटडोर सिटिंग है, छोटा सा ही कैफे है बट बहुत क्यूट है। सो लेट्स एंजॉय द फूड। हम आए हैं कर्नाटका हॉर्टिकल्चर गार्डन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन तो हम वैसे 2-3 बार जा चुके हैं, दिस इज समथिंग न्यू। एंड यहाँ पे द मेन अट्रैक्शन इज द हैंगिंग ब्रिज इफ यू कैन सी। तो वहाँ पे हम चलते हैं पहले। This is the weather right now. And we are going to do boating and sing the old Bollywood song. Good morning guys, day 3 in Ooty and we are going to checking out from this royal palace. It was an amazing experience staying here. If you are coming to Ooty and you want to experience a very calm and peaceful stay with a very luxury and royal feel, then you can definitely consider this place. Everything was very good. I'm gonna miss this. So lovely. It was such an unique experience we experienced for the first time. I can highly recommend this. So we are going to checking out and next we are going to Kunur. So yeah, let's check out.